अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आपका एक नए व्लॉग के अंदर। ये जो व्लॉग है ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, तो इसमें मैं आपके साथ अपनी शेयर करूंगा डेली रूटीन जो कि कुछ भी हो सकती है। तो आप सबने इसमें खूब साथ देना है और खूब सपोर्ट करना है। तो अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आया हूँ बाहर, मैंने अपनी सिस्टर का अभी वो एडमिशन फॉर्म अपना सबमिट करवाना था, तो वो जमा करवा दिया है। अभी आप देख सकते हैं UBL में सामने खड़ा हूँ, तो अभी फॉर्म जमा हो गया। अभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। आप देख सकते हैं गाड़ी की सूरत हाल, ब्लिंक पे आ चुकी है। पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद कुछ खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दी नेक्स्ट डे। सो गाइस अगेन वेलकम करते हैं आपका उसी व्लॉग के अंदर। कल जो है मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सका था, उसकी वजह मेरी सुस्ती थी। आज मैंने सोचा कि अपने व्लॉग को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हमने एक महफिल पर भी जाना है, तो मैंने सोचा उसका भी पूरा व्लॉग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं अपने कपड़े शपड़े निकालता हूँ, उनको इस्त्री करवाते हैं, उसके बाद फिर आपके मिलते हैं। तो यार कपड़े शपड़े जो हैं वो तो मैंने निकाल लिए हैं, आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये इस्त्री शिस्त्री बिल्कुल भी नहीं है। अभी इनको चलते हैं भाई, इस्त्री करवाते हैं इनको, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि ब्लॉग आज पूरा 8 से 10 मिनट का मैंने बनाना है। मेरे साथ रहिएगा। और मौसम भी आप चेक कर सकते हैं, कल तो काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन उसी हिसाब की जो मतलब ठंड होनी चाहिए थी वो तो नहीं हुई। बहरहाल मौसम काफ़ी बेहतर है पिछले 2 दिन से। सर दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, पापा ने कहा अपनी कटिंग शटिंग भी करवाओ, और मैंने कहा चलो कटिंग भी करवा लेते हैं, अपना सूट भी करवा लेंगे। तो अभी चलते हैं बाहर, सो लेट्स गो। यार अभी हम सैलून पे पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं, ये हमारा सैलून है। अभी चलते हैं बस सीधा ऊपर, और भाई क्या हाल है, ठीक है। चलते हैं अभी सीधा ऊपर और देखते हैं जोसेफ भाई जिनसे मैं कटिंग करवाता हूँ है या नहीं है। तो यार अभी हम जोसेफ भाई के पास आए हैं, जोसेफ भाई तो कह रहे हैं अभी 2 बंदे हैं, 1 घंटा लगे ना, वो देखें आप कटिंग कर रहे हैं वो, तो 1 घंटे का उन्होंने वेट किया। तो अभी देखते हैं क्या करना है। यार अभी हम बाहर बैठे वेट ही कर रहे थे, और बारिश आप देख सकते हैं कितनी तेज़ स्टार्ट हो गई। स्टिल वेटिंग, अभी भी वेट है, अभी भी एक बंदा रहता है, उसके बाद फिर हमारी बारी है। 1 hour later दोस्तों कटिंग शटिंग अपनी हो चुकी है, अब अपना सूट पकड़ना है हमने, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कटिंग कैसी लग रही है, और अब अपना सूट पकड़ते हैं फिर घर चलते हैं।
तो यार घर में आ चुका था, कपड़े भी ले आया हूँ। मुझे लग रहा है मैंने बाल अपने ज्यादा ही छोटे करा लिए। क्या कहते हैं आपसे? तो गाइस अभी मैं आया हूँ नीचे, मुझे भूख बहुत लग गई है और गर्मी इतनी शदीद है एसी लगाना पड़ रही है। वैसे दिन में एसी बहुत कम चलता है हमारा और भूख भी काफ़ी लग गई है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से नूडल्स खा लिए जाएँ। तो अभी बनवाते हैं नूडल्स। तो यार नूडल्स तो मैंने बनवा लिए हैं, अभी नूडल्स खाते हैं। भूख शदीद लग गई है तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो भाई नूडल्स अपने आ चुके हैं, जल्दी से इनको फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। 3000 years later. So guys, रात के 1 बजे में महफिल पे अब जाने के लिए तैयार होने लगा। तो बड़े जो फैमिली रेडी है, अभी नहाता हूँ उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका था, अभी बस रास्ते में ही हूँ तो जा रहा हूँ महफिल पे। आप देख सकते हैं रात को 1 बजे जो है ना महफिल पे जाने का प्लान मेरा बना। बस अभी पहुँचने वाला हूँ, 5 मिनट में मैं उधर ही हूँ। आप सबको भी दिखाता हूँ महफिल के क्लिप्स, एंजॉय कीजिए। फाइनली हम महफिल से फारिग हो चुके थे, तकरीबन 4:45 बजे महफिल ख़त्म हुई है फजर के बाद। और अभी मैं घर आया हूँ, तकरीबन 5:45 हो गए हैं, 6 बजने ही वाले हैं। महफिल काफ़ी अच्छी हुई लेकिन क्राउड ज़्यादा होने की वजह से अंदर हॉल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी, उसके बावजूद महफिल अच्छी। तो ये था हमारे आज के दिन का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।